इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद हैं और आज जो आवक हुई है तकरीबन 12,000-13,000 बोरी के करीब हुई है मंडी में आवक। आवक जो लगातार बीच में 4-5 दिनों से देख रहे थे बम्पर हो रही थी, वो ट्रैक्टरों की वाहनों की लाइनें मंडी के बाहर लगी हुई थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। आज जो कैंपस है उसमें भी काफ़ी जगह है कि और किसान आके अपनी उपज रख सकते हैं। बात करें अभी तक के भाव की, तो आज जो भाव अधिकतम ऊटी का गया है वो 12,500 रुपये गया है और न्यूनतम वही 6,000 के करीब जा रहा है, 6,000-7,000। छर्री जो है वो 5,000 के करीब जा रही है। देसी की बात करें तो देसी का भाव भी आज थोड़ा ठीक है। आज जो देसी गई है वो 10.5 अधिकतम गई है और बात करें न्यूनतम की तो वही 3-5 हज़ार अलग अलग है छर्री तक का। मेरे साथ कुछ किसान हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लेके आए हैं, कौन कौन सी वैरायटी है और किस तरह के अभी जो बारिश को लेके हालात है। भाई साहब पहले तो नाम बताइए आप। सर मेरा नाम गोपाल चौधरी है। कहाँ से आए हैं? गिनोदा से। गिनोदा कहाँ आता है? ये खाचौत के पास। तो क्या लहसुन लेके आए आप? लहसुन लेके आए। क्या उम्मीद है? पहले तो बताइए ये वाली लहसुन है क्या? क्या ये? हाँ तो देसी है ना? ये देसी लहसुन। क्या क्या उम्मीद लग रही, क्या भाव आ जाएगा इसका? मिक्स है तो? ये तो मिक्स है पर समझो 9-10 के आसपास है। 9-10 के आपकी उम्मीद है? उम्मीद है। तो इधर अभी लगा बीज में आपने देखा भी होगा कि भाव डाउन जा रहे हैं, तो अब ऐसे में आप लहसुन लाए हैं आज, हालांकि मार्केट स्थिर है और थोड़ा सा 10-20 मुझे लगता है ऊंचा ही है, तेज है थोड़ा मार्केट तेज। लेकिन जो कि पिछले 4-5 दिनों से तो इतनी आवक हो रही थी कि दिक्कत आ रही थी, मुझे लग रहा था डाउन। आवक कम होने की वजह कुछ पता चल रही है आपको? आवक कम ये अब लोग क्या स्टॉक करने लग गए, स्टॉक करने लगे। ऊटी का तो स्टॉक होता ही नहीं है? ऊटी का नहीं, ये देसी है ना, देसी का तो अब स्टॉक होने लग जाएगा। तो अब रुक गई, मतलब अब रुक गई, निकालना थी निकाल, अब निकल जो खराब जो थी, जैसे जो खराब हो रही थी वो निकल गई, अब अच्छे लहसुन है, अब रोकेंगे लोग। नहीं, कुछ किसानों का ऐसा भी था जैसे कि भाव डाउन थे, हमने पूछा तो बोले यार हमारी मजबूरी है, जो लोगों को मजदूरी देनी है, किसी का कर्जा उतारना है, सोसाइटी जमा करनी, इस तरह की तमाम बातें वो बता रहे थे। क्या आपके गेहूँ भी थोड़ा कम निकल रहे हैं ना? हाँ। तो उससे दिक्कत आ रही है थोड़ी, इसलिए थोड़े थोड़े निकाल रहे हैं, ज्यादा थोड़ी निकाल रहे हैं, मतलब कुल मिला के काम खर्चा चलाने के लिए चल जाए। हम लाए 5-6 बोरे, 5-6 कट्टी ऐसे लेके आए, बस हो गया अपना काम। तो अच्छा, ये नीमच को छोड़, मतलब सॉरी बाकी जगह छोड़ के आखिरी कोने में आ गए नीमच? ऐसा है सर, हमारा मंदसौर में है। हाँ। तो मंदसौर में तो गेट ही बंद ही रहते हैं। हाँ। भीड़ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है मंदसौर में। हाँ। तो वहाँ फिर हमने कहा नीमच ही चलो, नीमच, इसीलिए नीमच आए। क्या नाम भैया आपका? नरेंद्र। नरेंद्र भाई कहाँ से आए? आप भी एक ही जगह से आए? हाँ, सब साथ में ही हम। आपकी लहसुन कहाँ है? वो आगे। अच्छा, वो छर्री उससे आगे। अच्छा, उधर उधर पीछे साइड। हाँ, क्या उम्मीद है आपको, क्या क्या भाव मिलेगा? जो भी कुछ लग जाए आज लग जाए। अच्छा, ये खर्चा महंगा नहीं पड़ता यहाँ लाना? महंगा पड़ता है, लेकिन क्या अगर वहाँ मंडी गए तो 3 दिन रुको तो 3 दिन का अपना खर्च ज़्यादा हो जाए, जितना लहसुन आए उसका तो खर्चे है। ना नहाने की, ना धोने की, कुछ भी फुर्सत नहीं मिलेगा, कम से कम रात को घर से चल जाएंगे। अच्छा, कितनी कल आए थे कि आज ही आए थे? शाम को आए, कल शाम को आए थे। तो बाहर खड़े थे कि अंदर आ गए थे? अंदर आ गए, मतलब कुल मिला के अभी जो बीच में स्थिति बन रही थी वैसी स्थिति नहीं रही? ऐसी नहीं, नहीं तो बोले यार हम तो परसों का आए ना आज। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी अगर मंसूर होते हो जाती, मंसूर होते तो 2 दिन लग जाते। मंसूर होते हो जाते। दादा अपना क्या नाम है? शांतिलाल राठौर, गिनोदा से। अरे शांतिलाल जी राठौर, तो राठौर साहब क्या आप भी लहसुन लेके आए? हाँ लाए हैं। तो एक ही ट्रक का आप टेम्पो? हाँ, एक ही गाड़ी, पिकअप में, सभी एक ही गाड़ी, पिकअप में। कितनी कितनी बोरी लाए होंगे? ये 2.5 बोरी। अच्छा, अभी स्टॉक है घर पे कि सब निकाल दिया? निकालना है बाकी, जमीन में से। अभी तो जमीन में से ही है तो चल रहा काम धीरे धीरे। बिगड़ा निकाला 2.5 बीघे की जमीन लहसुन। तो अभी रोकने का है विचार? नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे अभी, रुकेंगे। तो लग रहा है कि भाव का डाउन हुए, कम हुए कुछ? तो जितना होना था वो तो हो गया, कि किसान पहले कच्चा माल ला रहे थे, कच्चा माल और बिगड़ा हुआ माल ला रहे, तो बाजार ऊंचाई से नीचे गिरे हुए एकदम। तो अब तो माल सूखा रहेगा, अच्छा रहेगा तो माल तो सुधरना ही है, और माल कम भी पड़ेगा क्योंकि औसत भी कम आ रही है, जैसे गेहूँ की आ रही है ऐसे लहसुन की कम आ रही है। तो जितना अभी खर्च लग रहा है शादी ब्याह बैंकों का लेना देना किसान, इसलिए जितना भी माल उतना निकालना पड़ेगा। गेहूँ कम हो रहे हैं, गेहूँ के बजट नहीं बैठ रहे, गेहूँ में सोयाबीन का बाजार नहीं है, इससे लोग तो किसानों को बेचना पड़ेगा। गेहूँ कट गए अपना? गेहूँ कट गए। तो वो आप ही निकाल लेंगे? निकाल दिए, सब निकाल दिए। सब निकाल दिए। कितना होगा गेहूँ?
अच्छा, क्या 6 बीघा के 36 क्विंटल हुए हैं? 36 क्विंटल मतलब कितने बैठे? 6 क्विंटल, 6 औसत में क्या करो उसमें का? बहुत सारे कम हुए, इससे डबल हुए पिछले साल, आधा माल हुआ तो उसमें तो लहसुन बेचना अनिवार्य हो गया। सोयाबीन वो धुंधर और मौसम ठंड खा गई है उसमें, उस हिसाब से। अच्छा, आप क्या लाए? लहसुन लाए, ऊँटी ऊँटी वाली जी। क्या उम्मीद लग रही, कितने भाव चले जाएगा? अभी 7-8 तक की आंकड़ा है पड़ी वहाँ पे। 7-8? हाँ, 7-8 छोटा माल है ना। पर आज ठीक है भाव? हाँ, आज भाव में कुछ सुधार है, 700-800 रुपए की तेजी है। बस वो तेजी आपको फायदा कर देगी, लेकिन कल या परसों, सॉरी परसों दिन आते तो, क्योंकि उम्मीद ये थी कि आज मंडी बहुत दिनों के बाद, मतलब एक दिन की गैप के बाद खुली है, तो वही जो लगातार बम्पर आवक थी, तो उम्मीद थी मुझे कि अच्छी आवक होगी, लेकिन जितनी आवक होनी थी वो जो हमेशा दिख रही थी उतनी है नहीं, लेकिन जो भी है अच्छी आवक है। और ख़ास बात ये है आज की कि आज तेज़ी देखी जा रही है, जो किसानों के लिए भी सुखदायी बात है। मार्केट टाइम्स, विजित महाडिक, नीमच।